केएल राहुल के लिए बजी खतरे की घंटी। फॉर्म में लौटा भारत का ये फ्लॉप खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ जड़ दिए 116 रन। भारत और इंग्लैंड ए के बीच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में पहला अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेला गया। इस मैच के पहले मुकाबले में एक भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से केएल राहुल के लिए खतरा पैदा कर दिया है। माना जा रहा है कि सीनियर इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाली आखिरी 3 टेस्ट मुकाबलों में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज स्क्वाड में इस खिलाड़ी को मौका दिया जा सकता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं इस युवा खिलाड़ी के बारे में। भारत और इंग्लैंड के बीच 25 जनवरी से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। इस सीरीज के लिए शुरुआती 2 मुकाबलों के लिए टीम इंडिया का ऐलान भी किया जा चुका है, जिसमें केएल राहुल को विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है। ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद उन्हें रेड बॉल क्रिकेट में कीपिंग करते हुए भी देखा गया है। लेकिन इस बीच भारत के एक और विकेटकीपर बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले अनऑफिशियल टेस्ट मैच में चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस खिलाड़ी ने शानदार बैटिंग करते हुए 116 रनों की पारी खेली है, जो कि केएल राहुल के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि इस बल्लेबाज को भी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है। अगर वह इसी तरह का प्रदर्शन करते रहे तो कप्तान केएल राहुल को प्लेइंग से बाहर कर उन्हें मौका दे सकते हैं। जिस खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि केएस भरत हैं, जो टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में खेल चुके हैं और इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले विकेटकीपर बल्लेबाज शिखर भरत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने टूर मैच में 40 रनों की पारी खेली थी, वहीं अब इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ धमाकेदार बैटिंग करते हुए शतक ठोक दिया है। केएस भरत ने इस मुकाबले में भारत ए के लिए 165 गेंदों पर नाबाद 116 रनों की धमाकेदार पारी खेली। मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने पहली पारी में 8 विकेट पर 553 रन बनाए थे और दूसरी पारी में 6 विकेट पर 163 रन बनाकर पारी घोषित की थी, और भारत ए के सामने 489 रनों का एक बड़ा लक्ष्य रखा था। दूसरी ओर भारत अपनी पहली पारी में 227 रनों पर ढेर हो गया था। मैच इंग्लैंड लॉयंस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन केएस भरत के शानदार शतक की मदद से भारत ने दूसरी पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 426 रन बनाए और इस मुकाबले को ड्रॉ कराने में सफल रहे। इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारत को केएल राहुल से ऊपर मौका मिल सकता है। वहीं भारत ने इससे पहले रणजी ट्रॉफी में भी यूपी के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली थी। बता दें कि केएस भरत ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए 5 टेस्ट मैच खेल लिए हैं, जिसमें उन्होंने 129 रन बनाए हैं, जबकि उनका उच्चतम स्कोर 44 रन है। वहीं अगर उनकी कीपिंग की बात करें तो उन्होंने विकेट के पीछे 13 शिकार किए हैं, जिसमें 12 कैच और 1 स्टंपिंग शामिल है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और ऐसी खबरों को देखने के लिए क्रिकेट डायरेक्टर को लाइक और सब्सक्राइब करें।